गाइस दिस इज डू कुमार सर इंग्लिश चैनल एंड मोटिवेटर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी भाषा को कैसे सीखें। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे सीखना चाहो तो। समझिए इस बात को, अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है, बहुत ही गौरा बच्चा हो रहा है, और किसी भी बच्चे का जन्म हमारे बिहार में मिथिलांचल में हुआ है, थोड़ा सा वेटिस कलर का है, गेरुआ कलर का है, और इस बच्चे को अमेरिका ट्रांसफर कर दिया जाए, और अमेरिका में जो बच्चा का जन्म हुआ उस बच्चे को मिथिला में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें बताइए कि जो बच्चा अमेरिका से आया है मिथिला में, क्या वह जब बोलना शुरू करेगा क्या अंग्रेजी बोलने कभी नहीं हो सकता है? और क्या वहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्चा जो अमेरिका गया है, वो क्या इंग्लिश बोलने लगेगा कि नहीं लगेगा? इंग्लिश बोलने तो आप पहले इस बात को सोचिए कि डाउनलोडिंग होना चाहिए कपार में, हमारे कपार में, हमारे माइंड में, इधर डाउनलोडिंग होना चाहिए। अगर डाउनलोडिंग नहीं होगा, किसी भी चीज का डाउनलोडिंग नहीं होगा तो कहाँ से हम बोल पाएंगे? पहले डाउनलोड होगा तब ना बोलेंगे। जैसे गाना वगैरह है, डाउनलोड करते हैं तब सुनते हैं, लाइव भी सुन लेते हैं कभी कभी, तो बात को आप समझिए। तो इंग्लिश या किसी भाषा को सीखने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले ये लिखिए, सू एक हिंदी का शब्द है, सू सू बो पो नी, क्या है शू बो पो नी? शू मतलब सुनो, बहुत सुनो, ज्यादा सुनो। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, चाइनीज सीखना है, या कोई भी भाषा फ्रेंच सीखनी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में डाउनलोडिंग होनी चाहिए, उस भाषा का डाउनलोडिंग होनी चाहिए। सुनिए, खूब सुनिए, डाउनलोडिंग लिसन। अगर डाउनलोडिंग नहीं होगा तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे, एजुकेशन रहेगी रहेगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो डाउनलोडिंग होना चाहिए। दूसरा वो मतलब स्पीक, भाषा को आप बोलिए, उस भाषा को आप बोलिए। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो होगा, कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सुनिए, उसके बाद बोलिए, प्रैक्टिस करिए वर्ड्स का, प्रोनाउंसिएशन का, करेक्शन का, और उसके बाद बोलिए। उसके बाद रीड, क्या है रीड? पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स वगैरह पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, कुछ बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए इत्यादि। उसके बाद राइट, आप लिखिए, मन की स्टोरी लिखिए, बुक की स्टोरी लिखिए, देश की स्टोरी लिखिए, किसी चीज के बारे में टॉपिक्स को उठाइए, गरीबी, पॉवर्टी, बीपीएल, एपीएल, क्या टॉपिक्स आपके माइंड में आता है ना, इंडियन रेलवे, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, कोई भी टॉपिक से प्लीज इस टॉपिक्स के बारे में आप लिखिए, बढ़िया से लिखिए, और देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको मात्र इतना चीज करना है, सुन बो पॉली। कोई भी भाषा को सीखना बहुत ही आसान है अगर आप सुन बो पॉली, इन चार चीज को आप जान गए तो। देखिए, सुनने से कोई भी चीज जो है ना 50% हमें समझ में आ जाती है। अगर आप कोई भी चीज सुनते हैं तो आपके मेमोरी में, आपके मेमोरी में डाउनलोडिंग होने का चांस 50% है, राइट? इसके बाद स्पीक, स्पीक का मतलब होता है यानी कि अगर आप कोई चीज को बोलते हैं तो 25% बोलने से आपके माइंड में वो चीज, वो बात जिसके बारे में आप बोल रहे हैं 25% आपके माइंड में आए, मात्र 25%। और रीड, पढ़ने से मात्र 15% आपके माइंड में आएगा, और लिखने से मात्र 10%। देखिए, अगर आप किसी चीज को, किसी चीज को बेहतरीन रूप से जानना, समझना या सीखना चाहते हैं तो आपको शू गो पॉली इन चार डायरेक्शन के तरफ जाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा आपको 50% सुनना पड़ेगा। सुनिए, 25% बोलिए, 15% पढ़िए, और 10% लिखिए, टोटल मिला के आपका हो गया 100%, राइट? तो भाषा को सीखना आसान है, आसान ही नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इन चार चीज पे फोकस करना है, राइट? कोई भी भाषा, हम लोग हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, कोई भी भाषा जो आज तक हमने सीखा है, आसानी से बोलते हुए बोलते हुए हमने सीख लिया, मैंने सुना, उसको बोला, बस सीख गया, राइट? हमेशा ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।